हेलो, दिस इज साधना एंड यू आर वॉचिंग लेटर बेटर। सो अफवाह को सबको पता है र्यूमर बोलते हैं, बट अफवाह फैलाने वाले को क्या बोलते हैं ये बहुत कम को पता होता है, या अफवाह फैलाना इसे क्या बोलते हैं। और एक दूसरा टाइप का सेंटेंस होता है जैसे कि कम से कम, तो हमें पता होता है कम से कम को कैसे इंग्लिश में एक्सप्रेस करते हैं, बट ज्यादा से ज्यादा इसे हम कैसे बोले ये बहुत कम को पता होता है। सो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट डेली यूज सेंटेंसेस वीडियो में हम डील करने वाले हैं। सो मैं चाहूंगी कि आप ये वीडियो पूरा देखें ताकि आपको हर चीज समझ में आए, और कुछ अच्छी वोकैबुलरी भी मैं इससे रिलेटेड लेकर आई हूं जो आपको डे टू डे लाइफ में बहुत हेल्पफुल होगा और आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हैं वो डेवलप जरूर होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप वीडियोज देखते हैं हमारे चैनल का एंड लर्न करते हैं, पर एट द सेम टाइम आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सब्सक्राइब करें। सो कई लोग हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और एनालिटिक्स से मुझे पता चल जाता है। सो इट्स रियली डिसहार्टनिंग टू नो कि आप लोग देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक ऐसी चीज है जो हमें मोटिवेशन देती है, हमारे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर का काम करती है एज अ क्रिएटर। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लोगों तक, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। और हमारा नया चैनल भी आ चुका है फ्रेंकली स्पीकिंग, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें हिंदी नहीं आती, जो हिंदी नहीं समझ पाते हैं। सो अगर आपने ये चैनल विजिट नहीं किया है तो आप जाकर देख सकते हैं, इसमें मैंने बहुत सारी नई और एडवांस वोकैबुलरी भी कवर की है। सो कुछ वीडियोस है यहाँ पे, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर देख सकते हैं। आई अश्योर यू दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो प्लीज आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो आप बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेसन। फर्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा। सो इसको आप बोल सकते हो एट मोस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना है कि इस काम को करने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे, तो आप बोल सकते हो आई विल टेक 10 मिनट्स एट मोस्ट टू डू दिस। आई विल टेक 10 मिनट्स एट मोस्ट टू डू दिस, मतलब मुझे ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। अब सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। सपोज कोई आपके घर पे आया है और आप बोल रहे हो कि वो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन रहेगी, उससे ज्यादा नहीं, तो आप बोल सकते हो शी विल स्टे हियर एट मोस्ट 2 डेज। शी विल स्टे हियर एट मोस्ट 2 डेज। अब ये सेंटेंस देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, वॉट कैन हैपन एट मोस्ट, वॉट कैन हैपन एट मोस्ट। होप आपको एट मोस्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कम से कम, तो इसको बोल सकते हो आप एट लीस्ट। ये शायद आपको पता ही होगा पर आपको जानना जरूरी है कि एटलीस्ट मतलब इतना तो होना ही चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता। जैसे आपको बोलना है कि कम से कम 2 पिक्चर्स चाहिए मुझे तुम्हारी, तो आप बोल सकते हो आई वॉन्ट एटलीस्ट 2 पिक्चर्स ऑफ यू। आई वॉन्ट एटलीस्ट 2 पिक्चर्स ऑफ यू, मतलब 2 तो चाहिए ही, 2 से ज्यादा देना है तो दे सकते हो पर 2 से कम नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं, कम से कम 1 घंटे तो इंग्लिश प्रैक्टिस करो, कम से कम 1 घंटे तो इंग्लिश प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग फॉर 1 आवर अ डे। एटलीस्ट प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग फॉर 1 आवर अ डे। होप आपको एटलीस्ट और एटमोस्ट का यूज समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, खातिरदारी या मेहमान नवाजी। सो ये दोनों सेम है, खातिरदारी करना, मेहमान नवाजी करना। सो इसके लिए वर्ड होता है हॉस्पिटैलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना है कि उनकी खातिरदारी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी थी, तो आप बोल सकते हो देयर हॉस्पिटैलिटी वॉज ग्रेट, देयर हॉस्पिटैलिटी वॉज ग्रेट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सपोज आप किसी होटल में गए थे और आपको उनका जो स्वागत करना है, जो मेहमान नवाजी, वो बड़ा अच्छा लगा था और आप उसे याद कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि आई एम रिमेम्बरिंग द वॉर्म हॉस्पिटैलिटी आई रिसीव्ड एट दैट होटल। I am remembering the warm hospitality I received at that hotel. So, आप warm ये word लगा सकते हैं hospitality के साथ। अब खातिरदारी के लिए आप एक phrasal verb भी use कर सकते हैं, look after। अगर आपको बोलना है day to day life में कि मेरी अच्छी खातिरदारी की उन्होंने, so आप ऐसे भी बोल सकते हैं I was looked after well by them। तो इस तरीके से आप use कर सकते हैं। अब ये वर्ड देखिए हॉस्पिटेबल, इसी से रिलेटेड है, इसके 2 मीनिंग है। पहला मीनिंग ये है कि आप किसी इंसान के लिए बोल रहे हैं कि वो हॉस्पिटेबल है, मतलब
वो वेलकम करता है गेस्ट को अच्छे से, फ्रेंडली है, तो ऐसे इंसान को बोल सकते हैं कि ही इज़ अ हॉस्पिटेबल पर्सन। या किसी होटल में गए सो आप बोल सकते हैं देवर हॉस्पिटेबल, मतलब उन्होंने अच्छे से वेलकम किया आपका। अब हॉस्पिटेबल का सेकेंड मीनिंग है कि किसी जगह के लिए आप बोल सकते हैं कोई हॉस्पिटेबल है, मतलब वो फेवरेबल है रहने के लिए, मतलब वहाँ पे रहा जा सकता है, तो वो प्लेस कैसा हुआ, हॉस्पिटेबल हुआ। या कोई एनवायरनमेंट है जो अच्छा है रहने लायक, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि इट्स अ हॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट। या आपको एक अच्छी ट्रीटमेंट दी गई है तो भी आप बोल सकते हो आई रिसीव्ड अ हॉस्पिटेबल ट्रीटमेंट। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। सपोज आपको बोलना है कि किसी जगह के बारे में कि यहाँ पे रहने लायक नहीं है, ये अच्छी जगह नहीं है, तो आप बोल सकते हो जैसे कि दिस इज़ द लीस्ट हॉस्पिटेबल प्लेस इन इंडिया, मतलब सबसे कम रहने लायक जगह है भारत की। कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ लोग रह नहीं सकते, मे बी पॉल्यूशन के कारण या जो भी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि क्राइम रेट्स हो गए, क्राइम ज़्यादा हो रहा है, या वहाँ का बहुत ठंड है, तो ऐसी जगह है जो हॉस्पिटेबल नहीं है, तो आप बोल सकते हैं दिस इज़ द लीस्ट हॉस्पिटेबल प्लेस इन इंडिया। अब सेकेंड देखते हैं एग्जाम्पल। चिल्ड्रन नीड हॉस्पिटेबल एनवायरमेंट इन स्कूल टू ग्रो। चिल्ड्रन नीड हॉस्पिटेबल एनवायरमेंट इन स्कूल टू ग्रो। तो उन्हें एक ऐसा माहौल चाहिए, अच्छा माहौल, कि वो ग्रो कर पाए, ठीक है, आगे बढ़ पाए। तो इसीलिए आप बोल रहे हैं चिल्ड्रन नीड हॉस्पिटेबल एनवायरमेंट इन स्कूल टू ग्रो। होप आपको इन सारे वर्ड्स का मतलब समझ में आ गया होगा। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटेबल, सो इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो अक्सर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, अफवाह तो सबको पता है र्यूमर, बट अफवाह फैलाने वाले को क्या बोला जाता है या अफवाह फैलाने को क्या बोला जाता है, ये हम देखेंगे। अफवाह को आप र्यूमर बोल सकते हैं, अफवाह फैलाने को आप बोल सकते हैं र्यूमर मॉन्गरिंग, ठीक है। अब मॉन्गरिंग का मतलब होता है कि किसी एक्टिविटी को आप एंकरेज कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर कोई र्यूमर मॉन्गरिंग कर रहा है, मतलब फालतू के र्यूमर्स, अफवाह फैला रहा है, अब जो ऐसा काम करते हैं अफवाह फैलाने का, उन्हें आप बोलोगे र्यूमर मॉन्गर्स, र्यूमर मॉन्गर्स। अब इसी तरीके से हम नफरत फैलाने वालों को बोल सकते हैं हेट मॉन्गर्स, या नफरत फैलाने को बोल सकते हैं हेट मॉन्गरिंग। तो आप मॉन्गर वर्ड ये याद रखिए अच्छे से कि इसका मतलब होता है किसी एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा एंकरेज करना, बढ़ावा देना, फैलाना। एंड बेसिकली ये नेगेटिव सेंस में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे र्यूमर मॉन्गरिंग एंड हेट मॉन्गरिंग ऐसे यूज़ किया जाता है। अब ऐसा होता है कि अफवाह को हम दबाते भी हैं कि ये गलत है, ठीक है, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो क्वैश वर्ड। शी क्वैश्ड द र्यूमर्स ऑफ हर डिवोर्स। सपोज र्यूमर्स चल रहे थे कि उसका डिवोर्स हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि उसने ये गलत ठहरा दिया कि मेरा डिवोर्स नहीं हो रहा है। शी क्वैश्ड द र्यूमर्स ऑफ हर डिवोर्स। और यू कैन से शी रबिश्ड द रिपोर्ट्स ऑफ हर डिवोर्स। शी रबिश्ड द रिपोर्ट्स ऑफ हर डिवोर्स, मतलब उसने बोला कि ये सब रबिश है, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अफवाह से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। हियर वी कम टू द एंड ऑफ द लेसन। होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तभी आपको यूज़फुल होंगे। एंड अगर आपने हमारे नए चैनल फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यू कैन गो एंड सब्सक्राइब। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम में मिलते रहें। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो हमारा पेज जो है letterbetter01, उसे फॉलो करना मत भूलिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग लेसन। थैंक यू सो मच।